मैं पल्लवी झा का रुख कर रही हूं, गौतम बुद्ध नगर से हमारे साथ जुड़ी हैं। पल्लवी, आपके साथ वोटर्स नजर आ रहे हैं, बात कीजिए सीधा। जी जी आशा, एक्चुअली कुछ देर पहले एक महिला वोटर थी जो पहली बार वोट कर रही थी, शादी के बाद पहली बार वोट कर रही थी और उसके साथ उसकी छोटी बच्ची थी। लेकिन मैं ये दिखाने की कोशिश करना चाहती थी कि देखिए बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन अगर मैं एक तस्वीर दिखाऊं आपको कि बहुत संख्या में इस वक्त जो है वोटर्स निकल कर बाहर आए हैं और वोट कर रहे हैं यहाँ पर। बेशक गर्मी है लेकिन लोग में जाहिर तौर पर वो जागरूकता दिखाई पड़ रही है और शायद यही वजह है कि अभी मतदान अगर हम नोएडा बात करें तो 24% से ऊपर हो चुका है। मैं कुछ लोगों से भी बात करती हूं। आप मतदान करके आ गए? जी जी करिए। जी मतदान किया तो क्या है इस बार, मुद्दा है या चेहरा लग रहा है? चेहरा है जी। कौन सा चेहरा दिखाई पड़ रहा? मोदी चेहरा दिखाई दे रहा। अच्छा आप बताइए, आपको क्या कहना है? आप मतदान इस्तेमाल किया आपने मत का? जी किए, कराई अभी। जी आप बताइए, मुद्दा है महिलाओं का कुछ? हाँ मुद्दा है। क्या है? महिलाओं का है, मोदी का है। ये मुद्दा है? मोदी का है वो तो चेहरा है। मुद्दा क्या है महिलाओं का? मुद्दा कुछ नहीं है। हम पहली बार आए, हमें कुछ पता ही नहीं, हम पहली बार वोट करें। महिला के लिए क्या किए मोदी जी, बोलिए। वोट कराई? हाँ। क्या मुद्दा है महिलाओं का? महिलाओं का हम लोग तो भाजपा की तरफ से है। भाजपा की तरफ से है? अच्छा कार्यकर्ता है। अच्छा चलिए आप बताइए भाई साहब। अच्छा सब अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। आप क्या कहेंगे? मैम वोट किया है बिल्कुल, और हमारा हक है मैम, बिकॉज वन वोट कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री। और सभी जागरूक नागरिकों को जो है वोट करना चाहिए, मतदान करना चाहिए। परिवर्तन के लिए वोट किया हमने, परिवर्तन के लिए वोट किया। क्या मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए? मैम सबसे बड़ा मुद्दा तो मैम रोजगार का है मैम, जो युवाओं में जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम लोग डिग्रियां लेके मैम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसको लेके हमने वोट किया। और रोजगार होगा तभी। रोजगार जरूरी है, ये मुद्दा है? है। या फिर चेहरा जरूरी है? दोनों चीज सनातन के लिए। अच्छा आप बताइए, आप भी वोट कराई? जी बहुत अच्छा लगा वोट डाल के, मजा आया, बहुत अच्छा लगा। जो गर्मी में, इतनी गर्मी में बाहर निकल के लोग आ रहे हैं ना, मोदी जी को वोट तो देना ही था। अच्छा मोदी जी को वोट देना था। और भी कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगी। आप बताइए, आपने वोट का इस्तेमाल किया? आप डाले हैं वोट डालने के लिए? गर्मी परेशान कर रही है? गर्मी तो है, काफी गर्मी है जी। तो देखिए मैं जिस तरीके की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए दोपहर का वक्त हो रहा है और प्रचंड गर्मी है। मौसम विभाग, यहाँ पर मैं बहुत जरूरी सूचना दे दूं अपने दर्शकों को कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था कि यूपी के कई क्षेत्रों में काफी ज्यादा टेम्परेचर होगा, 40 से पार होगा, जिसमें अमरोहा अलीगढ़ जैसे इलाके हैं जहां पर पारा 40 से ऊपर चला जाएगा। नोएडा में भी 40 के आसपास बना हुआ है, इसीलिए मतदान देने के लिए जब मौसम विभाग ने कहा कि अगर सुबह का वक्त आप इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा या फिर शाम के वक्त में, दोपहर के वक्त में पारा काफी ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए घर से निकलते वक्त तमाम चीजों का ख्याल रखें, यानी पानी अपने साथ लें, अपने को कवर करें। लेकिन मतदान केंद्रों पर भी एक ये व्यवस्था होनी चाहिए थी जो कि यहां पर दिखाई नहीं पड़ रही है। लोगों को यहां वो जो है दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ रही है, लेकिन ये जरूर है कि लोगों में जागरूकता दिख रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा यहां आ रहे हैं, जो 2019 के चुनाव में शायद उतने मतदाता नहीं दिख रहे थे, हालांकि 60% के आसपास वोट हुआ था, लेकिन इस बार जो है अभी 11 बजे तक ही 24% वोट हो चुके हैं और अभी पूरा दिन बचा हुआ है, तो माना जा सकता है कि इस बार लोग जो हैं काफी ज्यादा वोट करेंगे। और प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि बाहर आइए वोट करिए। आपने वोट कर लिया? वोट कर लिया हमने। पल्लवी देखिए यही बात है, सारा क्या लग रहा है इस बार है इन मतदाताओं के सामने, वो धरा का धरा रहे अपने हिसाब से वोट डाल रहे हैं। तमाम एनालिस्ट पहले फेज में जब कम मतदान हुआ तो यही कह रहे थे कि कारण एक बड़ा फैक्टर गर्मी रही, लेकिन वो प्रचंड गर्मी तो आज भी और फिर भी अभी भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी कतार मतदाताओं की देखने को मिल रही है। बाड़मेर